क्या आपका आंदोलन अब राजनीतिक हो चुका है? ना ना, जिसे आप ऐलान कर रहे हैं। अरे यहाँ पार्टी को, हाँ तो ठीक ही तो कहेंगे, जब उनसे हमारी लड़ाई हो रही है वो बात नहीं माननी, उनके लिए प्रचार करेंगे कि बीजेपी को वोट दो। हम तो मैंने करेंगे कि उन्हें वोट मत देना, हम ठग लिए पूरा देश, उन्होंने ठग लिया। देखो अगर सरकार किसी पार्टी की होती तो कोई दिक्कत नहीं थी, सरकार को तो कंपनी चला रही, तो ये कंपनी देश में से खत्म होनी चाहिए। इनको एयरपोर्ट बेच दिया, पॉलिटिकल कहाँ रहा? ना नॉन पॉलिटिकल है, यहाँ क्या कोई पॉलिटिकल आदमी था, कोई था? हाँ, अरे फिर कर देंगे कोई ट्रैक्टर, कोई किराए के आएंगे, वे ट्रैक्टर भी वही हैं और आदमी भी वही हैं। जिस दिन संयुक्त मोर्चा तय करेगा, अब की बार पार्लियामेंट पे नई मंडी खुल गई, वहाँ पूरा MSP पे भाव बिकेगा। अगला टारगेट पार्लियामेंट पे होगा, कान खोल के दिल्ली सुन ले, जब भी अरे और ट्रैक्टर को रोकता था कोई दिल्ली में जाने से ट्रैक्टर कौन रोकेगा? जाएगा दिल्ली में ट्रैक्टर, फिर जाएंगे। अरे जिस दिन तय करेगी कमेटी, संयुक्त मोर्चा जिस दिन तय करेगा, वे 3.5 लाख ट्रैक्टर भी वही है और 25 लाख आदमी भी वही है। अगला टारगेट पार्लियामेंट पे फसल बेचने का होगा, पार्लियामेंट पे मंडी खुलगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि मंडी के बाहर कहीं बेच लो, तो मतलब पार्लियामेंट की सबसे बढ़िया मंडी लगी। व्यापारी अंदर बैठा और किसान बाहर है, खरीद होगी पक्की। बंगाल में धर्म की राजनीति फिक्स करने की कोशिश, धर्म की राजनीति के चक्कर में ना पड़ो। अरे अपना अनुभव ये है कि किसान बनो, मजदूर बनो, धार्मिक मत बनो, कट्टरपंथी मत बनो। धार्मिक तो रहना चाहिए लेकिन कट्टरपंथी ना रहना, इनके चक्कर में मत आना। जो धर्म की बात बताओगा उसके चक्कर में मत आना, धर्म का सेहत मत चाटना, मीठा बहुत है और नुकसान ज्यादा करेगा। धार्मिक नहीं बनना चाहिए ज्यादा। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।